हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बुलंदशहर के गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए मासूम का शव गांव के तालाब में पड़ा मिला। मासूम का शव मिलने से परिवार में मचा कोहराम। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। आपको बता दें कि बुलंदशहर के एक गांव में कल शाम संदिग्ध हालत में गायब हुआ था मासूम। काफ़ी खोजने पर भी नहीं मिला था मासूम का कोई सुराग, जिसके बाद परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर खोजने का काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन आज सुबह गांव के तालाब में मासूम का शव मिला। हत्या कर मासूम के शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मौके पर मौजूद पुलिस बल जाँच में जुट गया है। तालाब में बच्चे का शव मिला है, क्या है पूरी घटनाक्रम? देखिए, कल जो है 19 तारीख में गांव में जो है गणेश विसर्जन हो रहा था, तो इस दौरान घर पे बस बच्चे ही रह गए थे और बूढ़े दादा हैं वो थे। तो उस समय कुछ महिलाओं ने बच्चे को दूसरी तरफ जाते हुए भी देखा, फिर उसके बाद वो बच्चे को घर पे भी दे के चली गई। उसके बाद हो सकता है बच्चा दोबारा बाहर निकल गया, और फिर गाँव वाले ने रात के समय जो है पुलिस को सूचना दी थी। उसके बाद तत्काल जो है टीम गठित करते हुए पुलिस ने लगातार जो है यहाँ पे गाँव में तालाब में झाड़ियों में बच्चे को सर्च भी किया है। लगातार पुलिस लगी रही, इनके परिवारजनों के साथ ही लगी रही, सर्च करती रही, और आज सुबह जब हमें सूचना मिली है कि बच्चे की बॉडी मिली है, इस पर जो है गली रिपोर्ट दर्ज भी हो गई थी और इसमें जो है आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ये परिजनों को ये भी कहना कि डॉग टीम बुलाई जाए और ऐसा कुछ? सब टीम मौके पे हैं, हम लोग खुद मौके पे हैं और जो है फील्ड यूनिट आ चुकी है, फील्ड यूनिट ने अपनी जांच कर ली है। डॉग स्क्वाड भी अभी तत्काल मौके पे पहुंचने वाली है। जब तक परिवार संतुष्ट नहीं होगा उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। परिवार की संतुष्टि हमारे लिए बहुत जो है ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। परिवार को संतुष्ट रखते हुए सारी विधिक कार्रवाई की जाएगी। सीओ डिबाई वंदना सिंह के मुताबिक गहनता से हर पहलू की जाँच की जा रही है। आपको बता दें कि बुलंदशहर जनपद के डिबाई क्षेत्र के गांव बिलोना रूप बांगर की है घटना। हापुड़ और आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हापुड़ हलचल के साथ। नमस्कार। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।